हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बनाएंगे मोमोज। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट, चटनी के लिए टोमेटो एंड जिंजर गार्लिक, एंड ये सब फिलिंग के लिए अनियंस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, यानी कोरिएंडर। इसमें आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए, इसका आप डो बना लीजिए। ये मेरा डो तैयार हो गया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे रेस्ट करने के लिए अब हमें कढ़ाई लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। इसे गरम हो जाने दीजिए। हल्का सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड करिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्लेवर के लिए आप अपनी थोड़ा सा कोरिएंडर लीव भी ऐड कर लीजिए। फिलिंग हमारी तैयार होकर ठंडी भी हो चुकी है और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, वो कोरिएंडर में इसमें ऐड कर देंगे। अब ये हमारी फिलिंग तैयार है, हो चुका है फ्रेंड्स। और फिलिंग में हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस और चिली सॉस ऐड कर देंगे। और हम इसे एक दूसरा शेप भी दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं स्टीमिंग के लिए। आटे वाली छन्नी ली और इसमें हल्की सी हम ऑयलिंग कर लेते हैं इस तरह से, और जो हमारे मोमोज है वो हम इसमें रखेंगे। और इंडक्शन में आप थोड़ा पैन रखिए, उसमें कटोरी में थोड़ा सा पानी रखिए इसको, और अपनी छन्नी ले लीजिए और इसे हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक हम चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए आप टमाटरों को स्लाइस किया था वो आप एक जार में डालिए। इसमें आप ये जिंजर और गार्लिक ऐड कर दीजिए और सीधा इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। पैन लीजिए और थोड़ा सा उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करिए, इसे गर्म होने दीजिए। राई ऐड कर दीजिए। राई हमारी लगभग पक चुकी है, थोड़ा हम इसमें ये हमारा पेस्ट बंदा पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये वाली चटनी तैयार है। इसे हमें खूबसूरत बनाने के लिए ज़रा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए और ये कोरिएंडर। फ्रेंड्स, ये हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं और हमारी चटनी भी तैयार है। देखिए कितनी ही सॉफ्ट बने हैं और कितना प्यारा कलर आया है।